नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मंत्रिपरिषद बैठक से। सरकार बारह अपरसा के प्राकृतिक विपद प्रभावित के उद्धार, राहत, उपचार एवं खाद्यान्न आ बसवास के प्रबंध मिलावा गृह मंत्रालय के निर्देशन दिलक है। सोमक सांझ प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटार में बैसल मंत्रिपरिषद बैठक से दुखद परिस्थिति में प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा अंग, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्था सब के समन्वयात्मक रूप में परिचालन क विपद व्यवस्थापन के उद्धार, राहत, उपचार एवं खाद्यान्न आ बसोबास के प्रबंध मिलावा गृह मंत्रालय के निर्देशन दिल गेल। घायल सबक उपचार के संपूर्ण व्यवस्था सरकार के मिलावा कहल गेल। तहिना घायल सबके उपचार में कोनो किसी में कमजोरी होब नै देब। घायल भ अपांग तथा अशक्त भेल सबके तथा मृतक के परिवार के सदस्य के सरकार यथोचित व्यवस्था करत। प्रभावित क्षेत्र में कोनो भी किस्मक रोग के प्रकोप फैल नै देब। औषधि उपकरण सहित के थप स्वास्थ्यकर्मी के टोली तुरंत परिचालन करे के निर्णय बैठक कैलक। विपद प्रभावित क्षेत्र में विद्युत, खाने पानी, संचार लगायत अत्यावश्यक सेवा सब सुचारू कराब तथा थप क्षति होब नै देब। संबंधित क्षेत्र के पूर्ण सतर्कता अपनाब, साथे ओहि के लेल आवश्यक कदम चाल निर्णय बैठक कैलक। तहिना गृह मंत्रालय के समन्वय में विपद सँ भेल क्षति के विवरण यथाशीघ्र तैयार कर, मूल्यांकन कर, तथ्य आ विवरण सहित के यथार्थ परिस्थिति स्पष्ट भेलाक बाद पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण लगायत के आवश्यक विषय के संबंध में थप निर्णय कर के निर्णय समेत बैठक कैलक। बैठक 27 जना के मृत्यु भेल, 613 जना घायल आ बहुत बड़का परिमाण में आर्थिक क्षति भेल कहत मृतक प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करत शोक प्रकट केने छल। तहिना प्रभावित शोक संतप्त परिवारजन प्रति संवेदना प्रकट करत घायल सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभक कामना कयल गेल। अस्पतालक चिकित्सक, नर्स लगायत के स्वास्थ्यकर्मी, रक्तदाता, संघीय तथा स्थानीय तह के प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र के संघ संस्था तथा प्रतिनिधि, संचार माध्यम, संपूर्ण निकाय तथा आम समुदाय से भेल सहयोग के लेल सरकार धन्यवाद दिलक। उद्धार कार्य समाप्त भेला से घायल के उपचार आ तत्काल के बसोबास के प्रारंभिक काम खत्म भेला बाद दीर्घकालीन व्यवस्थापन के बारे में निर्णय कयल जात। जानकारी सरकारक प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधि तथा संचार मंत्री गोकुल बासकोटा देलन। प्रदेश दिन सरकार बारह परसा लगायत के अन्हर बिहार प्रभावित के लेल 1 करोड़ रुपया सहयोग करबाक निर्णय कयलक। आइ बैसल मंत्रिपरिषद बैसार प्रदेश दू सरकार मार्फत 1 करोड़ सहयोग करबाक निर्णय कयलक। बैसार प्रदेश दू सरकार मार्फत पीड़ित के राहत रकम पठेबाक निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता एवं आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री कैलाश ढुंगेल जानकारी देलन। सोम दिन मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल सहित आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सालिकराम जमकट्टेल, सामाजिक विकास मंत्री युवराज दुलाल सहितक टोली प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण कऽ घूरल छल। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री पौडेल प्रदेश सरकार सहयोग करबाक वचन देने छला। टोली प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण पश्चात बारा के कलैया अस्पताल आ बीरगंज के नेशनल मेडिकल कॉलेज में जाकर घायल सबक अवस्था के जानकारी सेहो लेने छल। प्रारंभिक रूप में 1 करोड़ सहयोग केलो पर और सहयोग सेहो जारी रहबाक मुख्यमंत्री पौडेल बतौलने। तहिना आइए बैसल बैसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय पेश केने प्रदेश व्यू विजन संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक 2075, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन संबंध में व्यवस्था करल बनल विधेयक 2075 स्वीकृत करबाक निर्णय सेहो कयलक। बारह में आयल अन्हर बिहार में पड़ घायल भेल सबके राहत वितरण के क्रम जारी रहल अछि। एहि क्रम में घायल तथा घायल सबक परिवारक सदस्य के निःशुल्क खाना व्यवस्थापन कयल गेल अछि। नारायणी अस्पताल में इलाजरत घायल सबक लेल स्थानीय सद्भाव समिति, सानो पायदा, बीरगंज युवा समाज, लायंस क्लब, कामख्या परिवार लगायत विभिन्न संस्था आ व्यक्तिगत सहयोग में निःशुल्क खाना के व्यवस्था कयल गेल अछि। एहि बीच राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा बारह परसा के अन्हर बिहार से पीड़ित के लेल राहत लऽ कऽ हेटौड़ा से सोम दिन कलैया पहुँचल छल। थापा राहत में चाँव चाँव चूड़ा, चाउर, बिस्कुट, नून, आटा आ किछु थान त्रिपाल बोकि कऽ बारह पहुँचल छलाह। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली बिहार से प्रभावित बारह अपरसा के निरीक्षण कयलन अछि। उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव, गृहमंत्री राम बहादुर थापा लगायत के संग प्रधानमंत्री ओली घटनास्थल के हवाई निरीक्षण कयलन अछि। झापा से बारह आबि चुकल प्रधानमंत्री ओली सोम दिन दोपहर बिहार से प्रभावित बेसी भेल फेटा के हेलीकॉप्टर से निरीक्षण कयलन अछि। विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेबा गृह जिला झापा आ मोरंग पहुँचल प्रधानमंत्री ओली तथा गृहमंत्री राम बहादुर थापा नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से बारह में उतरल छलाह। प्रधानमंत्री संगे घटनास्थल में उप प्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव आ गृहमंत्री राम बहादुर थापा सेहो छलह।
संगहि कलैया में प्रधानमंत्री के संगे भौतिक पूर्वाधार मंत्री रघुवीर महासेठ, शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय आ तीनों सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके सहभागिता छल। बिहार कलैया उपमहानगरपालिका सहित महागढ़ी माई नगरपालिका, पतरौता नगरपालिका, कसौनी गांवपालिका, फेटा गांवपालिका, सुवर्ण गांवपालिका, परवानीपुर गांवपालिका में धनजन के क्षति भेल, स्थानीय प्रशासन जनौलक। अन्हर बिहार से जनधन के अत्यधिक क्षति भेल 12 में प्रदेश दूक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सब पहुंचल छल। घटना लगले सोम दिन भोरे मंत्रिपरिषदक बैसार बाद मुख्यमंत्री राउत, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा लगायत मंत्री तथा राज्य मंत्री सब कलैया बीरगंज स्थित अस्पताल में पहुंचकर घायलक अवस्था विषय में जानकारी लेने छल। वही क्रम में वो सब इलाज में कोनो कमी होब नहीं देब, घायल सबके आश्वासन से हो देने छल। तहिना अनहर से प्रभावित क्षेत्र सबक स्थलगत निरीक्षण कलक। वही क्रम में मुख्यमंत्री राउत सहितक मंत्री सब राहत तथा उद्धार में कोनो कसर बाकी नहीं राख जिला के पदाधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी के निर्देशन देने छल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 12 परसा में अनहर बिहार में पड़ि कर घायल भेल सबके दवाई इलाजक आवश्यक व्यवस्था मिलाओल गेल जनौलक। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ एहि घटना में पड़ि कर घायल भेल सबके दवाई इलाजक आवश्यक व्यवस्था मिलाओल गेल जानकारी देलन। सोम दिन दोपहर काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क के एहि घटना में पड़ि कर 4 से 3 गोटे घायल भेल आ ओहि में से गंभीर घायल 7 गोटे के काठमांडू स्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज भ रहा से बतौलन। रविक साँझ आयल बिहार में पड़ि कर 12 अपरसा में बड़का धनजन के क्षति भेल छल। एहि घटना में पड़ि कर घायल भेल सबके इलाजक लेल हेटौड़ा आ चितवन के चिकित्सक सबक टोली सेहो परिचालन कयल गेल। प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलन। स्वास्थ्य को क्षेत्र में औ सक्षम स्वास्थ्य कर्मी ट्रेन छह मक ड्रिल इमर्जेन्सी में कसरी राख्ने सीरियसली तो मिनट में मानिक जान जाना है बिरामी आने जो सौटा बिरामी आए सब एवटे कि ट्रिट कर सीधी है तेस पीछे अब तैं ट्रायज करने कुन बिरामी को अवस्था कसो है हरियो में कि रात पहेलो में कि अथवा रातो में तो सीरियस बिरामी रातो में हो जो टिचिंग में दुईजना रातो में भबर हमें प्राप्त हो लोकल परिचालन हो मैं भं जो बीरगंज का तैंको परिचालन भैसक्यो तेस पीछे हेटौड़ा को परिचालन भयो चितवन को परिचालन भयो वहाँ हिड़ी सकूँ नजिक को जान पर्यो यहाँ जाना तो दिनभरी लगता गाड़ी में जाना कारण यहाँ पर हिड़ो इन तर ढिल लोकल परिचालन भयो तैंको वरीपरी के मान्छे पुगि सके मैं लगे ते अ तीनवटा टीम कार्यरत है आर्मी को टीम छ मेडिकल टीम पुगि सकता है हम हेटौड़ा को टीम पुगे चितवन को टीम पुगे जनकपुर को टीम हिड़ सको तैं पुगिस अब पूरा है त्यसरी अब त्यस पछि अनि केन्द्रीय टीम हो घायल सबक इलाजक लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय केन्द्र से सेहो चिकित्सक सबक टोली घटनास्थल दिस भेजल गेल। प्रवक्ता श्रेष्ठ घायल सबके 12 परसा स्थित विभिन्न 7 टा अस्पताल सब में इलाज भ रहा सेहो बतौलन। काठमांडू पहुँचाओल गेल घायल सब में से 2 गोटे के अवस्था जटिल रहल सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। एहि बीच 12 परसा के लेल अनहर बिहार से घायल भेल सबक इलाज में खून के अभाव देखल गेल। एक बेर अत्यधिक संख्या में घायल भेला बाद खूनक अभाव भेल। खून के अभाव भेला बाद विभिन्न स्थान में रक्तदान कार्यक्रम चलाओल गेल। 12 परसा बाहेक जिला में सेहो रक्तदान शुरू कयल गेल। एहि क्रम में जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एंड टीचिंग हॉस्पिटल में सेहो रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल छल। जानकी हेल्थ केयर परिवार आयोजना केने कार्यक्रम में 105 गोटे रक्तदान केने छल। संघीय सरकार करीब 5 सेटा त्रिपाल बिहार से प्रभावित जिला में भेजलक। गृह मंत्रालय के विपद व्यवस्थापन महाशाखा के अनुसार सशस्त्र प्रहरी के ट्रक मार्फत 468 टा त्रिपाल 12 अपरसा दिस भेजल गेल। 5 से घर परिवार प्रभावित भेल जानकारी के आधार में ओतेक मात्र त्रिपाल भेजल गेल। महाशाखा के उप सचिव वेदनिधि खनाल जानकारी देलन। 12 में 150 टा त्रिपाल मौजूदत रहला से केंद्र सरकार 468 त्रिपाल मात्र भेजने अछि। आब केंद्र सरकार संग 2000 टा त्रिपाल मात्र बाकी रहल खनाल जानकारी देलन। तहिना पिय वाला पानी शुद्धिकरण के लेल खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानी परीक्षण घुमती सेवा अर्थात पानी एम्बुलेंस भेजलक। नेपाली कांग्रेस 12 अपरसा के अनहर बिहार से प्रभावित के आर 25 लाख रुपया राहत उपलब्ध कराब लागल। अनहर बिहार से प्रभावित के भेट 12 पहुँचल कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देवा
राहत स्वरूप 25 लाख रुपया उपलब्ध करबाक घोषणा कयलनि। एहिसँ पहिने उपसभापति विमलेन्द्र निधि 10 लाख रुपया उपलब्ध करबाक घोषणा कयने छलाह। सभापति देउवा अनहर बिहारिसँ जान गुमौनिहार सभक परिवार के राहत तथा अनहर बिहारिसँ प्रभावित के इलाज आ पुनर्स्थापना के लेल प्रभावकारी कदम उठाबा सरकार संग मांग सेहो कयलनि। सभापति देउवा भोरे नारायणी अंचल अस्पताल में घायल सबके भेंट कयने छलाह। विश्रामकवाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। अछाम में ठनका लागि कऽ 15 गोटे घायल भेल अछि। अछाम जिला के 2 स्थान में आयल अनहर बिहार संगे पड़ल ठनका लागि कऽ घायल भेल में से 6 गोटे के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। अछाम के पंचदेवल विनायक नगर पालिका 9 कालेकाड़ा आ रामारोशन गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 में क्रमशः 11 गोटे आ 5 गोटे घायल भेल अछि। घायल सबक उद्धार कऽ कऽ बैलपाटा अस्पताल लग गेल प्रहरी जनौलक अछि। स्थानीय भीमपुरा नेपाली, दीर्घे विक, ललू विक, राधिका शाही, कल्पना बोहरा आ जगत बोहरा गंभीर घायल भेल जिला प्रहरी कार्यालय अछाम जनौलक अछि। काठमांडू के स्विचटार नदी के पुल नीचा लावारिस सब भेटल अछि। काठमांडू महानगर पालिका 14 बाफल स्थित स्विचटार नदी के पुल नीचा लावारिस सब भेटल प्रहरी जनौलक अछि। अंदाजी 30 वर्षक एक युवक के सब भेटल महानगरीय प्रहरी परिसर के प्रवक्ता होविंद्र बोगटी बतौलनि अछि। पेट आ घेंट में धैरगर हथियार से युवक के प्रहार कऽ मृत्यु भेल प्रहरी के आशंका कयलक अछि। प्रहरी के अनुसार मानसिक संतुलन बिगड़ल व्यक्ति भेल भ सकबाक स्थानीय के कहब के उद्धृत करैत प्रहरी बतौलक अछि। अपने बहिन के सब बोरा भीतर ल जा रहल अवस्था में दीदी भाई के प्रहरी पकड़लक अछि। भरतपुर महानगरपालिका 2 क्षेत्रपुर से मंगल दिन भोरे बोरा में राखल सब सहित 2 जना के प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ाव पर में भारत के मोतिहारी घर भक भरतपुर 2 क्षेत्रपुर रहनिहार 40 वर्षीय रंबा देवी शाह आ हुनक भाई 26 वर्षक विगन शाह रहल अछि। ओ सब 17 वर्षीय बहिन परी कुमारी शाह के अंत्येष्टि के लेल नारायणी नदी किनार में लऽ जायत काल अवस्था में पकड़ाव कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक अछि। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत वएह पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।